वाह, का स्पीड उधर था, मजा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी हम जाएंगे डूंगरी माता के मंदिर, जो ब्यावर से 3-4 किलोमीटर दूर मकरेड़ा गांव के अंदर है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मकरेड़े का तड़ाव है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो मकरेड़े का तड़ाव है, ये बहुत ही फेमस है हमारे आसपास के गांवों के अंदर, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पालन होता है। और आप तालाब के अंदर देख सकते हो पीछे की तरफ बत्तख वगैरह बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है। फाइनली दोस्तों, मकरेड़ा गांव के अंदर पहुंच गए हैं, और यहां से कुछ ही दूरी पे जो अल्लाह माता जी का मंदिर है, तो अभी हम वहां चलेंगे और आप लोगों को वहां का दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये डूंगर के ऊपर जो माता जी का मंदिर दिख रहा है, ये डूंगरी माता का मंदिर है। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डूंगरी माता के मंदिर। आप मेरे पीछे देख रहे हो, पहुंच चुके हैं हम डूंगरी माता के प्रवेश द्वार। और आप देख सकते हो उस डूंगर के ऊपर डूंगरी माता जी का मंदिर है। तो अभी चलो चलते हैं और डूंगरी माता जी के दर्शन करवाते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना प्यारे प्यारे वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहें। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर की हाइट बहुत ज़्यादा है, और हम पेड़ियाँ चढ़ चढ़ के थक चुके हैं, साथ में पानी की बोतल भी नहीं लाए, प्यास भी बहुत ज़ोर से लग रही है। अगर आप लोग कभी डूंगरी माता जी के मंदिर आओ, तो साथ में पानी की बोतल और खाने की कुछ सामग्री जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ आसपास में पानी की बोतल की कोई दुकान नहीं है, ना कोई खाने की कुछ व्यवस्था है, तो ज़रूर अपने साथ लेके आए। वाह, का स्पीड उधर था, मज़ा आ गया। तो गाइस, हम अभी थक चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए इस चट्टान पे बैठ गए हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं डूंगरी माता के मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये डूंगरी माता जी का मंदिर है, और मेरे पीछे का एक नज़ारा देख सकते हो आप, मकरेड़े गांव का पूरा नज़ारा बहुत ही शानदार है। ये जो नज़ारा है मकरेड़े के तालाब का और उसके गांव का नज़ारा है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ये नज़ारा देखने में। डूंगरी माता के मंदिर के ऊपर छोर पे बैठे हुए आपको पीछे का नज़ारा दिखा रहे हैं, तो आप भी कभी आओ तो इतना अच्छा नज़ारा आप महसूस कर सकते हो। तो गाइस, डूंगरी माता का मंदिर बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। कभी ब्यावर की तरफ आना हुआ हो, तो आप मकरेड़े गांव के अंदर डूंगरी माता का मंदिर है, वहां जरूर आएँ। गाइस, ये डूंगरी माता जी का प्रवेश द्वार है, यहां से अभी हम अंदर चलें। तो गाइस, फाइनली हम डूंगरी माता जी के मंदिर आ चुके हैं। वैसे ये डूंगर के ऊपर है, इसलिए इसको डूंगरी माता बोलते हैं, लेकिन उनका सही नाम तो ज्वाला जी माता जी बोलते हैं इनको। अगर कभी ब्यावर के आसपास आना हुआ, तो आप ज़रूर यहाँ पे आए। मकरेड़ा रोड पे स्थित ये डूंगर के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, और प्लस माता जी का मंदिर भी है, तो आप फैमिली के साथ जरूर यहाँ पधारें। एंड यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, ये शिव जी का मंदिर है, ये डूंगरी माता जी के मंदिर के वही स्थापित किया गया है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, साइड के अंदर है ये थोड़ा। अगर आपका आना हो तो यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए। फाइनली आप लोगों को डूंगरी माता जी के दर्शन करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें,
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहे। जय जवान जय किसान।